ये सिर्फ एक मस्जिद की नहीं बल्कि इस्लाम की और दीगर मज़ाहिब की एक तारीख है, और इसके अलावा मशरक और मगरब के दरमियान जो एक बहुत बड़ी लकीर थी, ये मस्जिद सोफिया जो तुर्की में आज उन्होंने इस पर बात की है और उसकी 24 जुलाई को इसमें नमाज अदा की जाएगी, इसके पीछे असल में पूरी एक स्टोरी क्या है, मेरे साथ रहें और पूरा प्रोग्राम देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ सभी काजमी। नाज़रीन, 24 जुलाई को हेगिया सोफिया मॉस्क, ये तुर्की में एक बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, दिलकश मॉस्क, जिसे यूनेस्को ने अपने आसार कदीमा का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको हेरिटेज करके, कि जिसे वो आसार कदीमा के तहत अपने अंडर ले लिया था, क्योंकि इस मस्जिद पर जो तनाज़ा था, और वो तनाज़ा किसके दरमियान था, वो बेजेंटीन क्रिश्चियन जो है कम्युनिटी उनके साथ, और जो मुस्लिम उस दौर के, आपको पता है ऑटोमन एम्पायर थी जो तुर्की की खिलाफत उस्मानिया, उनके दरमियान। तो 1934 में कमाल अतातुर्क, जिसे मॉडर्न तुर्कों का बाप भी कहा जाता है, आपको पता है वो एक तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बनाना चाह रहा था, तो तुर्की में उन्होंने कहा कि यहाँ पर मगरिब और मशरिक का जो है वो इंतजाज ऐसा करें कि ये एक सेकुलर मुल्क नज़र आए। कमाल जो अतातुर्क जिसे कहा जाता था, कमाल पाशा, उसने फिर तुर्की में आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी। इधर तक नौबत आ गई थी कि वहाँ पर हिजाब पहनने में जो पहनने पर जो पाबंदी लगी, उसमें तुर्की पहला मुल्क था इस्लामी। फिर जब तैयब रजब अर्दगान की हुकूमत आई, और आपको पता है वो किस तरह इस्लामी ज़ेन रखने वाले एक लीडर हैं, उन्होंने फिर इसको किस अंदाज़ में मोल्ड किया, किस अंदाज़ में सोसाइटी को अपनी ट्रांसफॉर्म किया, कि इस मस्जिद के बाहर हज़ारों लोग जो है वो नमाज अदा किया करते थे। ये बेजेंटीन जो क्रिश्चियन चर्च था पहले, 1934 से पहले, अगर आप 20वीं सदी में जाएँ बल्कि, तो उस वक्त जो तुर्क उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया के जो रहनुमा थे, जिन्हें महमद इसलिए कहते हैं कि तुर्की जो के लोग मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त की वजह से वो डी को साइलेंट करके टी पढ़ते हैं ताकि बेअदबी ना हो, तो उनके जो रूलर थे उन्होंने उस वक्त इस पर हमला करके वो पूरा इलाका जो अपने कब्ज़े में लिया था, जिसे अब इस्तंबोल कहा जाता है, वहाँ पर इस मॉस्क में उन्होंने फिर इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया और ये फिर चली। लेकिन फिर आगे जब कमाल अतातुर्क आया तो उसने इसे म्यूज़ियम बना दिया। अब यहाँ पर लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोग आया करते थे इस मस्जिद में म्यूज़ियम के तौर पर इसे देखने के लिए। तो तैयब अर्दगान बड़े अरसे से इस पर कोशिश कर रहे थे उनकी पूरी, क्योंकि देखते थे लोग बाहर नमाज़ पढ़ते हैं, इनको मस्जिद हमारी अपनी है, इस मुल्क में है, और ये पहले से डिक्लेयर हो चुकी है, म्यूज़ियम बना हुआ था, उसमें नमाज़ पढ़ने की कैपेसिटी थी, सब कुछ था अंदर, नाम, हर चीज़। तो उन्होंने इसको फिर ट्रांसफॉर्म किया दोबारा मस्जिद में, और अदालत ने फैसला जो है वो हुकूमत के हक़ में किया। उससे अवाम के दरमियान खुशी की लहर दौड़ पड़ी, और 24 जुलाई को मगरिब की नमाज इंशाल्लाह यहाँ पर अदा होगी, और लोग बड़े खुश हैं कि एक बड़ा, एक तारीखी फैसला है, एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, कि जिसने अब ये एक लाइन खींची है, ये आप इसको मस्जिद ना समझें, ये एक अलामत है। वरना देखें, तुर्की में बहुत सी मॉस्क है, दुनिया भर में बहुत सी मस्जिद हैं, लेकिन इस मस्जिद की जो एक अहमियत है वो असल में कल्चरली हेरिटेज के अलावा, जो सकाफ़ती वरसा होने के अलावा, हालांकि तैयब अर्दगान ने अपने ट्विटर पर पैगाम भी दिया कि ये हमारी जो शाही गुंबद की मस्जिद है, ये हमारे मतलब जो विरासत है इस्लाम, उसकी सकाफत की नुमाइंदगी करती है, बल्कि इसमें तमाम लोग वेलकम है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उनका लोकल, इंटरनेशनल, टूरिस्ट, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हर किस्म का बंदा इसमें वेलकम है, जो कि बड़ी खूबसूरत और अच्छी बात है कि हमारी मसाजिद के दरवाजे इनके लिए खुले होने चाहिए, हर मज़हब के लिए, ताकि वो आएँ और सीखें। लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने मशरिक और मगरिब, इसका जो फ़र्क, आपको पता है तुर्की का वो मुआहदा, याद रखें अपने जेहन में, जो मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है मगरिब में, जो 100 साल का मुआहदा था, अब ये उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेकर दुनिया को एक पैगाम दिया, और ये फैसले आसान फैसले नहीं होते, ये बहुत मुश्किल फैसले हैं। बाबरी मस्जिद जो थी इंडिया में, वहाँ पर भी ऐसा हुआ, जिसको अदालत ने उसको राम मंदिर के तौर पर डिक्लेयर किया। अब उसमें इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने बढ़ चढ़ कर कहा कि बाबरी मस्जिद का मामला हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, तो यहाँ तक बात ख़त्म होगी, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान इन्वॉल्व थे ऑफकोर्स। बिल्कुल उसी तरह से चिनारों की सरजमीन पर 80 लाख लोगों का मामला उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब तुर्की के मामले पर आप देखें कि पूरी इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो है वो एक पेज पर नज़र आ रही है, वो सब लोग वहाँ पर दुखी भी हैं, अफसोस भी कर रहे हैं। अब इस तरह के जो क्रिटिकल मामलात होते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल काम है, कि इसमें एक बड़ा तबका जो कि एक गैर मज़हब, गैर मुस्लिम है, और दूसरी तरफ मुसलमान लोग हैं। अब मुल्क की अगर बात करें तो वो सेकुलर मुल्क की तरफ जो दावा था 1934 तक, कमाल अतातुर्क
जो था उनका, उसका उकमाल पाशा अतातुर्क का, वो दावा उन्होंने मुस्तरद करते हुए तैयब अर्दगान को लाई। अब अगर एक मेजॉरिटी तैयब अर्दगान को लाई और आपने देखा कि वो कितनी पॉपुलैरिटी से तुर्की में मकबूल हैं, तो इस वजह से ये फिर आवाम की एक नुमाइंदगी करते हुए एक आवाज़ है। बिल्कुल उसी तरह देख लें कि आप दुनिया भर में, ये एक असूल है, आपको याद होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश का सलीबी जंगों पर एक पैगाम था कि हमने सलीबी जंगों का बदला लिया। फिर उसके बाद आप दुनिया भर के आप इन ममालिक को देखें कि जहाँ पर मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी का रूल चलता है, कि जहाँ पर अक्सरियत होती है वो लोग रूल करते हैं। पाकिस्तान में मंदिर का मामला है, वो बड़ी अच्छी बात है। कल परसों मौलाना फजल रहमान साहब ने भी फरमाया कि ये आप इस्लामी जो हमारी शरीयत कौंसिल है उसको भेज दिया जाए, या इस पर जो उलमा है उनका एक बोर्ड बैठ के डिसाइड कर ले कि ये मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब माइनॉरिटीज़ के जो हकूक़ हैं उन्होंने ये भी, मैं उसकी मौलाना फजल रहमान साहब की आम तौर पर आपको पता है बहुत सारी सियासी मामलों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ये उन्होंने बात की कि मफतू इलाका जो है उसमें जो लोग मौजूद हों उनको वो जजिया और टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये एक फ्रीडम है, यहाँ पर खुला मुल्क है, इसलिए मंदिर की जो तामीर है उसका मामला जो शरीयत को जो कोर्ट है उसको भेज दिया जाए और वहाँ पर वो लोग फैसला करेंगे कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उसकी ज़मीन हम सब जानते हैं किस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दी थी और वो कितना इसमें एक्साइटेड थे कि ये होना चाहिए। उन्होंने भी ऐवान में भी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने इसकी हमायत की। तो मज़हबी मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर मज़हब के हर किस्म के लोगों की दिली जज्बात का मुकम्मल तौर पर एहतराम करना चाहिए। हुकूमत कोई भी हो, किसी भी वक्त की हो, अपनी माइनॉरिटीज़ का हमेशा ख्याल रखे, क्योंकि देखें आप इस चीज़ को इस तरह भी देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी 98 लाख या तकरीबन जो पाकिस्तानी हैं दुनिया भर में, हम लोग भी माइनॉरिटीज़ में, तो हमारे भी यहाँ पे मस्जिद मौजूद हैं, हमारे भी यहाँ पर जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन लोग हैं उनके चर्चेज़ हैं, पाकिस्तानी हिंदू लोग हैं उनके यहाँ पर मंदिर हैं, बहुत से ऐसे या सिख लोग उनके अपने गुरुद्वारे हैं। तो इस तरह हर मज़हब को हर जगह पर इजाज़त होनी चाहिए। और इस तरह के जो बड़े फैसले होते हैं ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं कि आप एक बड़ा फैसला करने जाते हैं, इसीलिए आमतौर पर ये फैसले अदालतों को दे दिए जाते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला भी वहाँ पर इंडिया में अदालत ने किया, तुर्की की ये जो मस्जिद का फैसला इसको रिवर्ट किया मस्जिद में, ये भी अदालत ने किया, मेजॉरिटी ने किया। तो अब इसमें तैयब रजब अर्दगान बड़े खुश हैं और तुर्की की आवाम बड़ी खुश है, लेकिन एक तबके का ये भी कहना है कि 44% बल्कि तुर्की के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ टर्किश लोग हैं, उनमें ये भी कहा जाता है कि ये शायद इनकी जो इकॉनमी या इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनसे नज़र हटाने के लिए ये कहा जा रहा है कि ताकि लोग उस तरफ ध्यान मत दें और वो अपना फोकस जो है वो इस तरफ लगाकर लोगों को अपना जो महंगाई है बेरोज़गारी है उस चीज़ से लोगों का फोकस हटाना चाहते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आपको यूनेस्को जो वर्ल्ड का, आपको पता है ये जो तुर्की में अभी जो मॉस्क मिली है तुर्की को अदालत के फैसले पर, ये भी यूनेस्को यूनाइटेड नेशन के तहत हेरिटेज, मतलब जो जिसको जो विरसे को यूनाइटेड नेशन जो है वो इसको सुपरवाइज़ करती है उसके तहत हुआ है। अब दूसरी तरफ आपका इसका ज़रा कंपेयर सऊदी अरेबिया में देखें कि मदीना से 300 किलोमीटर के फासले पर अल उला नाम की जगह है, वहाँ पर जो एक अमेरिकी मैगज़ीन है वोग, उसकी जो ब्रांच सऊदी अरब में मौजूद है, उन लोगों ने एक फ़ोटोशूट किया जिस फ़ोटोशूट का नाम था कि 24 आवर्स इन अल उला, मतलब 24 घंटे अल उला में। अब ये यूनेस्को के ज़ेर तमाम एक बहुत बड़ा ओपन एयर, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इसे म्यूज़ियम कहा जा रहा है, और ये बड़ी हिस्टोरिकल, बड़ी मतलब तारीखी जगह, और सऊदी अरब में तो आपको पता है वो ज़मीन सरज़मीन पाक सरज़मीन है। अब वहाँ पर कैंडीस नाम की जो मॉडल है, इंटरनेशनल मॉडल है, उन्होंने वहाँ पर शूट किया और उनके कपड़े और वो सारी चीज़ें बहुत काबिल एतराज़ था, और जिस फोटोग्राफर ने लेबनीज़ जो जिसने शूट किया, अली मजारी उस बंदे का नाम है। अब मदीना से 300 किलोमीटर के फासले पर ये शूट इसलिए किया गया कि इंटरनेशनल टूरिज़्म और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो सऊदी अरेबिया का एक कदम है, जो दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बड़े रोशन ख्याल किस्म के मुसलमान हैं और आएँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और ये करें और वो करें। अब आप देखें कि ये इससे मुसलमानों के बड़े दिल दुखे हैं कि वो पाक जगह है और ऐसी जगह पर इस तरह की हरकतें, वो एक वाहिद जगह ऐसी रह गई थी कि जहाँ पर आपको पता है इस तरह की हरकतों का किसी सूरत में तस्वर नहीं किया जाता। तो एक तरफ तुर्की आपको यूनेस्को के ज़ेर तमाम ही म्यूज़ियम को मस्जिद बना रहा है, और दूसरी तरफ यूनेस्को के ही ज़ेर तमाम वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर जगह पर जो कि अल उला 300 किलोमीटर दूर मदीना से,
उसे सऊदी अरब में एक फ़ोटोशूट और एक घटिया फ़ोटोशूट, वहाँ मॉडल्स लाई जा रही हैं और ये सब का सब आप जानते हैं कि MBS साहब जो है वो चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाएं और दुनिया को दिखाएं कि हम बड़े रोशन ख्याल किस्म के लोग हैं। और जो अतातुर्क 1934 में करके आज 2020 में रिवर्स हो रहा है, सऊदी अरब अब अतातुर्क की तरह उस लेवल पर जाकर रोशन ख्याली ला रहा है। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब को ये चीज़ याद रखनी होगी कि आपकी जो थोड़ी सी इज्जत और हुर्मत और जो भी मुकाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन हरमैन शरीफैन की वजह से है जिसके साथ लोगों के दिल धड़कते हैं, और उनकी बेअदबी जो है वो आमतौर पर मुसलमान आपको पता बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ताला इनको राय हदायत दे और इनको जिस रास्ते पर इनको चलना चाहिए उस रास्ते पर इनको चलाए कि ज़िंदगी फ़नी है और कोरोना से आगे ऑलरेडी कितना बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में तुर्की और सऊदी अरब का किरदार आपके सामने है।